be going. Anyone do you, baby? But don't care for me. Anyone home, home, baby? But don't care for me. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल सुहेल व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया मेरी लास्ट टू वीडियोस को, जिसपे 100K प्लस व्यूज़ आप लोगों ने पहुँचा दी और लास्ट वीडियो भी काफ़ी अच्छा, उस पर भी रीच आया था। काफ़ी क्वेरीज रही मेरे पास कि जामिया का कैंपस दिखाओ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखाओ, उन्हें एक्सप्लोर करो। तो यार मैं सारे डिपार्टमेंट्स और पूरा कैंपस तो एक साथ तो एक्सप्लोर नहीं कर सकता। मैंने सोचा था कि हम धीरे धीरे दिखाएंगे। सर फिलहाल अभी मैं सेंट्रल कैंटीन पर खड़ा हुआ था और यहीं से स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जामिया की सेंट्रल कैंटीन से स्टार्ट हो रहा है आज का व्लॉग और बराबर में, जस्ट बराबर में इसके ड्राई कैंटीन है और यह है पूरी ड्राई कैंटीन। ये सारे अपने दोस्त सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर भी आज यहीं पर ही हैं, शिरान सर, जिनका नाम अक्सर मैं वीडियोज़ में लेता रहता हूँ। ये सारे बैठे हुए गर्मी में, कैसा हाल है भाई? गर्मी का नींद आ रही है भाई। यार ये है ड्राई कैंटीन यहाँ की और ये सेंट्रल कैंटीन जो कि कोविड के बाद से अभी तक बंद ही है। यहाँ पर आप हॉस्टल में रहते हो तो यहाँ पर आकर बहुत सस्ते में अपना नाश्ता भी कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा रहता है। वंडर आएगा, वंडर वंडर लाओ, वंडर। तो यार अभी जो हमने मेन, जो हमारा आज का मेन मोटिव था वो तो मैं आपको बता दूँ। हमने सोचा था कि आज मैं इन लोगों के साथ जामिया का लाइब्रेरी, जाकिर हुसैन लाइब्रेरी एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। चलते हैं, फिर बहुत बहुत बातें कर ली यहाँ पर, सीधा लाइब्रेरी चलते हैं, ठीक है? बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हमने, अब लाइब्रेरी चलते हैं यार, बहुत टाइम हो गया। तो गाइस ये आ गई हमारी जाकिर हुसैन लाइब्रेरी। आज मैं दिखाता हूँ आपको अंदर क्या क्या है और क्या नहीं है और अंदर से दिखने में लाइब्रेरी कैसी है। हर किसी को तो एंट्री मिल नहीं पाती, तो अपने आईडी कार्ड से मैं ही दिखा देता हूँ आपको अंदर से लाइब्रेरी कैसी होने वाली है। ये उमेर भाई हमारे बैठ गए और अब चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर। Right guys, तो यार अब लाइब्रेरी में एंट्री ले चुके हैं हम लोग और लाइब्रेरी में एंट्री करके लेफ्ट साइड पर जैसे ही मुड़ते हैं तो यहाँ पर लर्निंग सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड का कैबिन है। ये पूरा एल सेक्शन में बना हुआ है, पूरा हमारा ऐसे बना हुआ है राउंड शेप में यूँ करके, मतलब इसकी बिल्डिंग मैंने अभी आपको बाहर दिखाई थी, बाहर उसका मॉडल दिखाया था कैसी है ये बिल्डिंग पूरी, तो वैसे ही बनी हुई है राउंड में यहाँ पर इतने एरिया में, फिर इधर पूरा एल शेप में बनी हुई है। पढ़ ले, पढ़, जीएसटी का पेपर है कल। ओके, खुल गया। तो वो जो मैं आपको दिखाने वाला था वो मेरे ख्याल से खुल गया है। और एक्चुअली इस टाइम ना एग्जीबिशन लगा हुआ है डोनेशन ऑफ राइट ऑफ बुक्स का बेसमेंट में, जो कि 23 मई से लेकर 3 जून के बीच में है और एग्ज़ाम चल रहे हैं यार, इस वजह से थोड़ा ब्लॉग आने में मेरा लेट हो रहा है। तो अब बेसमेंट में चल रहे हैं, वैसे यहाँ पर लॉक लगा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। पहले काफ़ी डरावना सीन था यहाँ का,
हाँ आते हैं, पहली बार ही आ रहे थे। हाँ खैर, ये ऐसा क्यों लग रहा है भाई? ये काफ़ी टाइम से बनती है जगह टाइप। हाँ तो कुछ ऐसा ही है, हॉन्टेड हाउस सा लग रहा था ये। मतलब उस तरफ का तो आपने देख ही लिया, और इस तरफ सारी पुरानी बुक मिलेंगी। मतलब एग्जीबिशन जो लगा हुआ है वो एग्जीबिशन के लिए। यार लिखा तो यहाँ पर इंग्लिश बुक से, लेकिन रुपये की एक बुक मिल रही है। हम कह रहे हैं सारी उठा लेते हैं 1 रुपये में और रद्दी में भेज देते हैं। बिजनेस पैसा ही पैसा हो गया। बताओ क्या भाव है इन बुक्स का? क्या भाव? ये जो नहीं है तभी तो यहाँ पड़ी है। इतनी दूर तक बुक्स ही बुक्स हैं, क्या 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 फील आ रहा है आपको ये बताएं काशन भाई? क्यों लोग बर्बाद हैं इस पढ़ाई के चक्कर में? आपका बिजनेस आइडिया दिख रहा है ना अपना? बिजनेस आइडिया तो मेरा ये कॉमर्स ली इसलिए थी। तो यार काफ़ी 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 टाइम बिता लिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, आपने देख ही लिया ये बेसमेंट लाइब्रेरी का जो काफ़ी टाइम से बनता, और अब जाके खुला है। और यहाँ देखो भाई क्या लिखा हुआ, डोंट सिट इन द कॉरिडोर। इन्हें देखो, रूल ब्रेकर्स। तो गाइस अब ऊपर चलते हैं ना, ऊपर के फ्लोर दिखाते हैं। हाँ। जन्नत में लेके जाएगा क्या? अबे साले I thought I could swim. We break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? 'Cause I'm missing you. Oh, 'cause I'm missing you. तो यार ये है हमारी ऊपर का सेकंड फ्लोर, जहाँ पर हमारी सारी बुक्स रहती हैं। और जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो था बेसमेंट, बाकी हमारे पढ़ने के लिए सारी बुक्स यहाँ से हम लेते हैं। शक्तिमान शक्तिमान, ओए गिर यार बेटा, बहुत बुरी लगी। चलो भाई नीचे चलो, यहाँ से बुक इशू होती है इशू सेंटर हमारा। ऑलराइट गाइस, तो यार यही थी हमारी लाइब्रेरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी। यार देख लिया आपने पूरे अंदर से, मैंने दिखा दिया आपको, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से दिखाया होगा। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, ये देखो पेड़ कैसे झूम रहे हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आने में मुझे पता है बहुत लेट हो रहा है, कोऑपरेट करना यार थोड़ा सा, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए वीडियो जल्दी नहीं आ पा रही। पूरी लाइब्रेरी तो दिखा दी है, धीरे धीरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी दिखाऊंगा। पिछली वीडियोस में मेरे काफ़ी कमेंट्स आए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, सबको वीडियोस चाहिए, तो मैं उस पर भी काम करूंगा, वो भी दिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़। ये दूसरे फुटबॉलर, ये इनका गोल है।